नमस्कार। महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास आघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार का क्या हाल हुआ, ये तो पूरे देश ने देखा। लेकिन एकनाथ शिंदे द्वारा शिवसेना में इतनी बड़ी सेंधमारी करने के बाद शिवसेना पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। उद्धव ठाकरे के हाथों से शिवसेना के खिसकने की चर्चाएं भी तेज हो चुकी है, क्योंकि शिवसेना के दो तिहाई से ज्यादा विधायकों ने पार्टी पर ही दावा ठोक दिया है, जिसके बाद शिवसेना के सिंबल धनुष बाण पर भी कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों द्वारा बनाई गई नई पार्टी शिवसेना बाला साहब ठाकरे पार्टी के सिंबल के तौर पर धनुष बाण पर कब्जा करने की तैयारी चल रही है। क्या एकनाथ शिंदे की नई पार्टी शिवसेना बाला साहब ठाकरे पार्टी का जो सिंबल है वो धनुष बाण होगा? इस तरह के सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में उठ खड़े हुए हैं। खैर, मुंबई से गुवाहाटी तक चल रहे शिवसेना के हाई वोल्टेज ड्रामे में आए दिन नई नई अपडेट्स देखने को मिल रही है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की सेना विधायक मुक्त होने के साथ साथ सांसद मुक्त होने की खबरें भी लगातार सुर्खियां बटोर रही है। इसी क्रम में आज उद्धव ठाकरे के लाडले आदित्य ठाकरे के दाएं हाथ माने जाने वाले शिवसेना के विधायक और उद्धव सरकार में मंत्री उदय सावंत भी महाराष्ट्र से फरार होकर एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने के लिए गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। लेकिन शिवसेना के बोंपू संजय राउत ने सभी बागी विधायकों से चार कदम आगे बढ़ाते हुए गुवाहाटी में मौजूद एकनाथ शिंदे गुट के होटल रेडिसन ब्लू के 40 कमरे बुक करने के लिए होटल के मैनेजमेंट को ईमेल किया है, जिसमें संजय राउत ने होटल रेडिसन ब्लू के 40 कमरों को अगले कई दिनों तक बुक करने की बात कही है, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मची हुई है। हालांकि उखाड़ दिया वाले पत्रकार और शिवसेना के नेता संजय राउत के बयानों और उनके कारनामों का ज्यादा कोई महत्व महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं है, लेकिन संजय राउत ने होटल रेडिसन ब्लू के मैनेजमेंट से संपर्क साधते हुए 40 कमरे बुक करने हेतु बातचीत की है और इसके साथ ही आसाम के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि उन्हें भी आसाम में घुमाने के लिए आमंत्रित किया जाए। इसलिए मैंने शुरू में कह दिया था कि संजय राउत की बयानबाजी पर किसी तरह का ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संजय राउत की बकवासबाजी की वजह से ही शिवसेना में इतनी बड़ी फूट पड़ी और शिवसेना के 40 से ज्यादा विधायकों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि उद्धव ठाकरे खुद काफी नरम और अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन संजय राउत जैसे नेताओं ने शिवसेना ही नहीं बल्कि उद्धव सरकार को समर्थन करने वाले निर्दलीय और अन्य छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के विधायकों में भी नाराजगी को पैदा कर दिया है। शायद इसलिए संजय राउत को शिवसेना का फायर ब्रिगेड नेता कहा जाता है। लेकिन अब उखाड़ दिया वाले पत्रकार के गले में आई हुई है, क्योंकि उद्धव सरकार की गद्दी जाने के साथ साथ संजय राउत के घमंड पर भी बहुत बड़ी चोट शिवसेना के बागी विधायकों ने मारी है, जिसके बाद संजय राउत पूरी तरह से खंड खंड होते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और इसी बौखलाहट में संजय राउत आए दिन शिवसेना के बागी विधायकों को खोखली धमकियां दे रहे हैं। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना के इस झमेले से दूर रहने की हिदायत भी दे रहे हैं। संजय राउत ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि वही सब कुछ है और महाराष्ट्र की राजनीति सिर्फ उन्हीं की बयानबाजी पर चलती है, लेकिन सच्चाई इससे हटकर है। संजय राउत की बयानबाजी का 0% भी किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सिर्फ उद्धव ठाकरे के नजदीकी होने की वजह से संजय राउत का महाराष्ट्र की राजनीति में थोड़ा नाम है, लेकिन खुद की राउत की कोई पहचान नहीं है। खैर, संजय राउत द्वारा शिंदे गुट के होटल में 40 कमरे बुक करवाने वाले दाम को क्या समझा जाए, ये समझ से परे है। लेकिन राउत के इस कदम के बारे में आपको कुछ समझ आया है तो हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार और इसके अलावा शिवसेना की प्रत्येक अपडेट हासिल करने के लिए सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट, अगली न्यूज, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।